भारत ऑस्ट्रेलिया मैच में बैटिंग या बॉलिंग किसका चलेगा सिक्का? जी हाँ, बहुत स्वागत है आपका खेल कड्डा में और मैं हूँ आपके साथ सुदीप राजपूत। चेन्नई की पिच यानी कि आईसीसी वनडे विश्व कप 2023 में टीम इंडिया की पहली टक्कर ऑस्ट्रेलिया के साथ है। दोनों टीमें इस मैच के लिए चेन्नई के एम एच चिदम्बरम स्टेडियम पर उतरेंगी। टीम इंडिया की कोशिश होगी कि वह पहले ही मैच में जीत हासिल कर टूर्नामेंट में विजयी शुरुआत करें। विश्व कप से ठीक पहले दोनों टीमें 3 वनडे मैचों की सीरीज भी खेली थी, जिसमें भारतीय टीम ने 2-1 से जीत हासिल की थी। हालांकि विश्व कप में दोनों ही टीमें अब नई शुरुआत के साथ मैदान पर उतरेंगी। वहीं अगर बात की जाए विराट कोहली की, तो विराट ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में 3रे नंबर पर हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 46 मैचों में 2172 रन बनाया है। उनका उच्चतम स्कोर 123 है। वहीं विराट कोहली के बल्ले से टोटल 8 शतक निकले हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। अगर बात की जाए भारतीय टीम के मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इनका बल्ला बहुत बढ़ चढ़ कर बोलता है। सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में 2रे नंबर पर हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 42 मैच में 2251 रन बनाए हैं और उनका उच्चतम स्कोर 209 का है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हमारे कप्तान रोहित शर्मा का जो हिटमैन है वो दोहरा शतक जड़ चुके हैं। अगर बात की जाए शतक के मामले में, तो जिस तरीके से उन्होंने खेला है रोहित शर्मा ने अभी तक 8 शतक भी जड़े हैं। वहीं अगर बात की जाए विश्व कप के पहले मुकाबले से पूर्व भारत की चिंता बढ़ गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से सुमन गिल इस समय फॉर्म में चल रहे हैं, लेकिन उनको डेंगू होने का संदेह है और उनका रविवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले मैच में खेलना संदिग्ध माना जा रहा है। गिल अगर इस मुकाबले से बाहर होते हैं तो ईशान किशन को पारी का आगाज करने का मौका मिल सकता है। बीसीसीआई ने मेडिकल अपडेट में कहा कि सुमन बीमार हैं, मेडिकल टीम उन पर नज़र बनाए रखे हैं। हमें उम्मीद है कि सुमन जल्दी बेहतर हो जाएंगे, हमें मेडिकल टीम के अपडेट के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर बात करें कोच राहुल द्रविड़ की, तो राहुल द्रविड़ ने साफ तौर से कहा कि मैच के दिन गिल पर फैसला किया जाएगा। हालांकि उससे पहले आइए हम आपको बताते हैं कि चेन्नई की जो पिच है जहाँ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का ये मैच होने वाला है वो पिच कैसी है। एम एच चिदम्बरम स्टेडियम की पिच पर खेलना किसी भी टीम के लिए आसान नहीं रहा है। यहाँ की पिच काफ़ी संतुलित माना जाता है, बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को इससे मदद मिलती है। विकेट की बात करें तो यह सूखे रहने की उम्मीद है, यानी कि जो विकेट होगा वो काफ़ी सूखा होगा और स्पिनरों को यहाँ काफ़ी मदद मिलता है। बिल्कुल सही सुना आपने। हालांकि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है विकेट थोड़ी धीमी हो जाती है और बल्लेबाज के लिए शॉट लगाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इस पिच पर टॉस जीतने वाली टीम की पहली पसंद बल्लेबाजी करना होता है। इस मैदान पर वनडे मुकाबले के लिए रिकॉर्ड को देखें तो कुल 22 मैच खेले गए हैं। वहीं टीम इंडिया को यहाँ पर 7 मुकाबले में जीत मिली है और इतने ही मैच में हार मिली, यानी कि 7 मैच टीम इंडिया यहाँ पर जीती है और 7 मैच में उसको हार मिली है। अगर बात की जाए भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विश्व कप का पहला मुकाबला रविवार 8 अक्टूबर को खेला जाएगा, यानी कि आज खेला जाएगा। टूर्नामेंट का यह 5वां मुकाबला होगा। मैच के लिए टॉस का समय जो हो 1:30 पर टॉस होगा, जबकि खेल दोपहर 2 बजे से शुरू हो जाएगा। लेकिन बात की जाए जिस तरीके से अगर स्पिनर पिच है, तो मेरे हिसाब से टीम इंडिया को अपने 3 स्पिनर को खिलाना चाहिए। अश्विनी काफ़ी लंबे समय बाद भारतीय टीम उनकी वापसी हुई है और बेहतरीन फॉर्म में है। आपके ऑलराउंडर रवि जडेजा भी बढ़िया फॉर्म में है। और बात की जाए चाइना मैन कुलदीप यादव की, तो कुलदीप यादव ने हमेशा कहर भर पाया विरोधी टीम के ऊपर। लेकिन जो टीम इंडिया का अगर आप बात करें, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के पास उनके पास एडम जाम्पा हैं, इकलौते स्पिनर हैं। हालांकि ग्लेन मैक्सवेल वो बॉलिंग करते हैं तीसरे वनडे में, जिस तरीके जो सीरीज हुई भारत और ऑस्ट्रेलिया की उसमें उन्होंने 4 विकेट भी चटकाए थे। अगर बात की जाए एडम जाम्पा के सामने विराट कोहली थोड़ा अपने आप को कमज़ोर पाते हैं। कमज़ोर इसलिए पाते हैं क्योंकि विराट कोहली एडम जाम्पा के खिलाफ 5 मैच खेले और 5 मैच में एडम जाम्पा ने विराट कोहली को आउट किया है। यानी कि विराट कोहली को एडम जाम्पा के सामने थोड़ा आराम से खेलना पड़ेगा, थोड़ा संयम बना खेलना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से आप सबने देखा कि विराट कोहली स्पिन के सामने ज़्यादा इस समय प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस करने का ध्यान दे रहे हैं, चाहे कवर ड्राइव मारना हो चाहे फुल साइड खेलना हो, तो विराट कोहली संयम बनाकर खेलेंगे। जो मेरे हिसाब से जो हमको लगता है जो इंडिया की टीम होगी वो ईशान किशन, रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, यानी कि केएल राहुल 4 नंबर पर खेलेंगे, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पांड्या, रवीन जडेजा, कुलदीप यादव और अश्विनी, यानी कि आपकी ये 3 स्पिनर हो गए, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। यानी कि हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज आपके ये 3 पेसर हो गए, यानी कि जो तेज गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे। अब ऐसे में टीम इंडिया को देखना ये होगा कि
जिस तरीके से चेपाक में यानी कि एमए चिदम्बरम स्टेडियम में जो स्पिन पिच वहाँ पर घूमती है कि वो कितना जल्दी सोनी से या कुलदीप यादव से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को कितना जल्दी वो उनके सामने लेके आ आते हैं, यानी कितनी जल्दी वो अपना स्पिन अटैक लेकर आते हैं सामने। तो जिस तरीके से इस समय डेविड वार्नर भी बढ़िया फॉर्म में हैं, अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया के जो ओपनर हैं, चाहे स्टीवन स्मिथ की बात कर लें चाहे लवसेन की बात कर लें, तो यानी कि सारे प्लेयर उनके बढ़िया फॉर्म में हैं। लेकिन जिस तरीके से सिराज और मोहम्मद शमी समय कहर भर पा रहे हैं अपने गेंदबाजी से, ये भी कहीं ना कहीं भारतीय टीम इसका फ़ायदा उठाना चाहेगी। और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के पास भी मिचेल स्टार्क हो गए, जॉस हेजलवुड हो गए, ये दोनों भी बढ़िया फॉर्म में चल रहे हैं और किसी भी बैटिंग लाइनअप को ध्वस्त करने का पूरा अपने आप अपने अंदर ये जिम्मा रखते हैं, यानी कि इनको पता है कि किस तरीके से बॉलिंग करनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से इंडियन प्रीमियर लीग में ये दोनों प्लेयर जो हैं वो खेलते हैं, तो इनको पिच से ये काफ़ी वाकिफ भी होंगे। फिलहाल मैच आज शुरू होगा 2:00 PM, और वर्ल्ड कप की हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। धन्यवाद।